नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दिसंबर को जाने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि नए साल के लिए आपका रेजोल्यूशन लेने का समय आ गया है कि आप गलत हैबिट छोड़ें और अपने जीवन और देश की तरक्की के लिए नए रेजोल्यूशन के साथ काम करें। और इसी को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नए साल पर लोकसभा चुनाव 2019 जीतने के लिए केरल से शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत 6 जनवरी को केरल के पत्तनमथिट्टा से करेंगे। और इस बात की जानकारी देते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पिल्लई ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केरल में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि केरल विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का पत्तनमथिट्टा आना एक राजनीतिक दांव माना जा रहा है, क्योंकि इसी जिले में सबरीमाला मंदिर भी आता है जिसको लेकर काफी हो हल्ला मचा था। विश्लेषकों की माने तो मोदी एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं और इशारों में केरल की जनता को संदेश भी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका केरल की जनता पर क्या असर होता है और बीजेपी की कितनी सीटें बढ़ती हैं।